लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छी छी अमित, तू ऐसी बात भी भाभी से कह सकता है? बेचारी रोती रोती मेरे पास आई। न जाने तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा घुस गया है जो तूने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। देख, जो कुछ भी कहना है दिल खोल कर कह दे। अगर वो ऐसी ऐसी बात है तो मैं यहाँ हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगा। ये बात नहीं है रोनू, मोहल्ले के लोग हमेशा ताने कसते रहते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इस मोहल्ले में रहना है। मोहल्ला मोहल्ला मोहल्ला, जब देखो मोहल्ला। सीधी तरह से कह क्यों नहीं देते, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ओहो भाभी, तुम्हारा भी गुस्सा बहुत है। एक बात कहूँ, इस माहौल में रहकर, इस चार दीवारी में रहकर दिन रात कलम घिसते घिसते उस बेचारे का दिमाग खराब होता जा रहा है। और हमें तुम्हें नहीं समझता, इसे लोग मिडिल क्लास मीनस कहते हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है मेरे ख्यालात छोटे हैं। तुम रईस हो, तुम्हारी ऊंची सोसाइटी है, तुम्हारे ख्यालात भी ऊंचे हैं, तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना है। मेरी बात मानेगा? चल थोड़े दिनों के लिए हम लोग कहीं बाहर घूम कर आते, जब नए माहौल से वापस लौटेगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। घर से बाहर निकलेंगे? मैं तो उस घर से तभी बाहर निकलूंगी जब मुझे मौत आएगी। ताना मारने से कोई फायदा नहीं होगा रेखा, तुम अच्छी तरह जानती हो जिनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो उनके लिए आयाशी का सपना देखना भी पाप है, जानती हो कि नहीं जानती? अरे यार छोड़ो इन झगड़ों को, मेरी बात मानो अमित, थोड़े दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। मेरा भी मुंबई में काम है, वहां चंद रोज घूम के आते। मुझे छुट्टी उट्टी नहीं मिलने वाली यार। अरे कैसे नहीं मिलेगी यार, तेरी छुट्टी का बंदोबस्त मैं करता हूँ बस। और फिर तुझे तो बचपन से अजंता लोरा देखने का शौक था, वो बंबई के बहुत करीब है, वहां से वहां चले जाएंगे। क्यों भाभी मुझसे क्या पूछते हैं, जैसे मेरे इस घर में कुछ चलता है। देखो रेखा, ऐसी बातें मत करो, तुमने आज तक जिंदगी में जो कुछ चाहा, जो कुछ कहा, मैं वही करता आया हूँ। हाँ हाँ, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ। ओह बस बस बस, नो मोर नो मोर नाउ प्लीज, दिस इज द फाइनल डिसीजन। क्यों भाभी, सफर अच्छा लग रहा है ना? ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने तो इन्हें चार दीवारी के अंदर बंद कर रखा था ना। इसमें ताना माने की क्या बात है, ठीक ही तो कह रहे हैं ये। हमारी शादी को चार साल हो गए, एक लेक और विक्टोरिया के सिवा तुम मुझे कहाँ ले गए? देखो झूठ मत बोलो, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ भी तो ले गया था तुम्हें। ओह यार, तुम लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। भाभी तुम अपनी मैगजीन पढ़ती रहो, और अमित चल हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। अरे नहीं नहीं, इन्हें मत पिलाइए, नहीं तो सफर का सारा मजा खराब हो जाएगा। हाँ भाई, पीने के बाद तो मैं चुप नहीं रह सकता। अरे यार, इसमें चिंता की कौन सी बात है, ना तो यहाँ तेरे मोहल्ले वाले हैं जो गेट आउट करके मुझे बाहर निकाल देगा। ये ले लो, ला थोड़ा सा पानी मुझे भी देना। अरे बस 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 यार, बस बस बस। चीयर्स। यार कुछ भी कहो, ये लेबल ब्लैक होने से क्या होता है, अंदर की चीज सच्ची। जी चाहता है कि अपनी प्यारी बीवी के गले लगकर रनिंग ट्रेन से कूद जाऊं। क्यों सुंदरी, मेरी बात पसंद नहीं आई आपको? ओफो, आप लोग सिगरेट पीना बंद करेंगे, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। हाँ ठीक कहती हो भाभी, चल यार अमित बाहर चलते हैं, खुली हवा में पीने का मजा और भी ज्यादा आएगा। हाँ ये भी बात। जा जा जा, चलो भाई चलो। अरे 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 बाबा, अब कुछ बात बनती है यार। ओके ओके, अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? यार मजा तो आया। एक बात बताओ यार, ये तुम अपनी जेब का माल खर्च करके हमें अजंता लौरा दिखाने क्यों ले जा रहे, बात क्या है? अरे यार, हम यारों के यार हैं, क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खर्चते? खर्चते हो लेकिन दोस्त के लिए नहीं। दोस्त की अगर खूबसूरत बीवी हो तब। अरे यार न जाने पीने के बाद तुझे क्या हो जाता है। हाँ तो रेखा से पूछ लो, उसका तो कहना है कि पीने के बाद इंसान के दिल की बात जबान पर आ जाती है। और ये जो तुम रंजीत मल्लिक हो, ये ब्लैक लेबल का लेबल तुम्हारे अंदर चिपका हुआ है, क्योंकि जो तुम अंदर हो और बाहर हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। है छोड़ो इन बातों को रंजीत मल्लिक, आज तुम भी सामने हो, हम भी सामने हैं, एक बात का फैसला। सच सच बता दो, तुम्हारे
इरादे क्या हैं? आज तुम्हें इस बात का फैसला करके ही रहो। इससे पहले कि फैसला हो जाए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं थोड़ी देर के लिए नरक के अंधेरे में खो गया था, इसलिए तुम्हें पहचान ना सका, पहचान ना सका। इतने दिनों तेरे डैडी और डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। अब मैं घर में बहू ला कर रहूंगी। माँ तुम नहीं जानती हो, तुम लोगों से बिछड़कर पिछले 20 साल की जिंदगी में मेरा कुछ हिसाब किताब बन गया था। उसे चुकता करके लौटूं, फिर जो तुम कहोगी वही करूंगा। कहाँ जाना है? कलकत्ता। तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी, इस तरह तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ वहां मुझे अकेले ही जाना है। देखो इतराज मत करो, मैं तुम्हें रोज टेलीफोन करूंगा। अगर तुम ना कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है माँ। हाँ हाँ जाने दो ना, क्या हर्ज है? मगर जल्दी लौटेगा ना? काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा माँ। तुम्हें छोड़कर तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। বাঁচতে পারবো না ঠাকুর, তুমি তুমি আমাকে নাও, ওকে ফিরে দাও, ওকে ভালো করে দাও ঠাকুর, ওকে ভালো করে দাও। दादा मैं जरा घर जाना चाहती हूँ। क्या ना क्यों? सुजीता जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। नहीं नहीं ये बात नहीं, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं दादा। हाँ गेस्ट आ रहे हैं। मैं चलूँ? ठीक चलिए चलिए चलिए, प्लीज 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 चलिए, प्लीज प्लीज मेक वे मेक वे मेक वे। सचमुच सुनिया दादा, ये पिक्चर भी आपकी सिल्वर जुबली जाएगी। ऐसी ऐसी बात है? सिगरेट ला लीजिए ना, सिगरेट माचिस 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 लीजिए, माचिस धो लीजिए ना, माचिस माचिस। अरे मैं पहचाना नहीं, नरेश दत्त आप ही बांगली? जी नहीं, शायद आपको मालूम नहीं कि पंजाबियों में भी दत्त होते हैं। ओह समझ लिया। मुबारक हो, मुझे आपकी तस्वीर बहुत पसंद आई। बात यह है कि मैं अभी अभी बंबई से आया हूँ, वहां बिजनेस करता हूँ, एक बंगाली पिक्चर बनाना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड हैव अ फ्यू ड्रिंक्स। ड्रिंक्स? हाँ ड्रिंक्स। जी हाँ, शो खत्म होने के बाद हम लोग जा सकते हैं। शो? अरे शो छोड़िए ना, वो तो अपनी पिक्चर है, 100 बार देख चुका हूँ, अभी चलिए।
नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। आप लीजिए। मिलावट का जमाना जरूर है मगर मिलावट मुझे पसंद नहीं। अब बताइए दत्त साहब, पंजाबी होकर आपको बंगला पिक्चर बनाने का शौक कैसे हुआ? सच पूछे तो सन्याल साहब, बंगाल से मुझे खास लगाव है और यही लगाव अचानक मुझे यहां खींच लाया। चीज क्या बताऊं सन्याल साहब, आपकी पिक्चर देखने के बाद तो मैं आपका फैन हो गया। आई बैठिए। और नाम भी आपने क्या चुन के रखा है, पतिव्रता। एक बात बताइए सन्याल साहब, ये जो आपकी हीरोइन है, क्या नाम है इनका? सुनीता, सुनीता देवी। देवी, ये जो आपकी देवी जी हैं, क्या असली जीवन में भी ये ऐसी सती सावित्री हैं? अरे दूर हो साई, लगता है जिंदगी के बारे में आपका कोई अभिज्ञता ही नहीं है। अभिज्ञता? हाँ समझा, तजुर्बा। तजुर्बा? हाँ, तजुर्बा, दिलरुबा, बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ सुनीता देवी, उनकी पर्दे के पीछे की जिंदगी कलियुग की द्रौपदी है। हमने सुना है किसी गरीब घर की बहू थी और उनका पति मौदूद खाकर यानी पीकर ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ आप एक आदमी को देखा था ना, रंजीत मलिक, उनके साथ कुछ लटपट हुआ था और रंजीत मलिक पैसे वाले बाप का बेटा था और सुनीता को हीरोइन बनाने के लिए बिल्कुल फुतूर हो गया, खत्म खत्म हो गया। कुछ भी कहो मोशाय, ये सुनीता ना बड़ी टैलेंटेड लड़की, रंजीत मलिक गया तो एक पतुरिया को पकड़ लिया, ये उसी की फिल्म थी। आपकी ये सुनीता देवी, इनका और कोई भी है ना? हमने सुना एक लड़का है पहले पति का, उसे कहीं दार्जिलिंग सेंट पॉल्स में रख दी, पैसा है भेज देती है, बस माँ का ड्यूटी खत्म। केलो कीर्ति शॉप, यानी केलो की कीर्ति है। सन्याल साहब, ये जो पिक्चर में बनाना चाह रहा हूं, इसकी हीरोइन आपकी सुनीता देवी ही होनी चाहिए। हाँ जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, मगर थोड़ा पैसा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ब्लैंक चेक दे दूंगा और साथ में कैश भी, और सन्याल साहब आपको भी मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। रकम? रुपया। रुपया, ठीक है ठीक है। तो फिर एक कहानी ढूंढते? उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक कहानी है। आपके पास? जी हाँ, मैंने ही लिखी है कहानी। हाँ जरूर लिखेंगे, आपके पास पैसे हैं, आप नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा? मैं आपके लिए चेक और कैश लेके आता हूं, आप ठहरिए। अब समझा बाचा धोन, क्यों तुम्हें बंगाली पिक्चर बनाने का शौक हुआ है, बंगाल से लगाव है। बोलो बंगालन सुनीता देवी को देखकर तुम्हारा माथा उठा घूर गया?